हेलो दोस्तों, लर्न न्यूमरोलॉजी विद दिनेश क्योरा में आपका स्वागत है। हम बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर की सीरीज़ कर रहे हैं। इसके अंदर ऑलरेडी हमने एक नंबर पूरा कर लिया था और 1 to 1, 1 to 9 भी पूरे कर लिए थे। अब हम चंद्रमा की सीरीज़ कर रहे हैं 2 नंबर की, जिसमें हमने 1 to 6 तक डेस्टिनी नंबर पूरे कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बर्थ नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 7, यानी कि बीडी नंबर 27। एक बार फिर बता दूं कि बर्थ यानी कि सिर्फ जो तारीख होती है, जो डेट होती है, उसका जोड़ होता है। यानी कि कोई व्यक्ति 25 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका जो बर्थ नंबर होगा 2 और 5 7 हो जाएगा। उसी को मूलांक भी कहते हैं, पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं। और अगर पूरी डेट सपोज़ 25 जनवरी या सन 2002 में कोई पैदा हुआ है तो 7 और 1 8, तो 10 तो 12, ये नंबर 3 हो जाता है टोटल मिला के। यहाँ पर मंथ और 7 में आपका ईयर भी जुड़ जाता है, तो ये 2 और 7 हो जाते हैं इस ढंग से। तो नहीं, 7 25 थी 7 थे 1 8 थे 2 10 2 12 ये 3 नंबर 7 और 3 नंबर बीडी नंबर 7 3 हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे बीडी नंबर 27 की, जहाँ पे वो सारे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को पैदा हुए हैं, 2nd, 11th, 20th एंड 29th, ये उनके लिए है। और साथ में जिनका जिसे कह सकते हैं डेस्टिनी नंबर, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है उनका जो नंबर आता है 7। अब देखिए, इसमें दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन है, एक चंद्रमा है, एक केतु है। और चंद्रमा जब भी केतु के साथ आता है तो ग्रहण लग जाता है, और ये परिस्थितियां जो पैदा होती हैं पूरी की पूरी देखा जाए तो एक स्पिरिचुअलिटी वाली पैदा होती हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। ये आर्ट और इमेजिनेशन के अंदर भी रहते हैं, कहीं ना कहीं ड्रग्स के साथ, केमिकल के साथ, डेयरी इंडस्ट्री के साथ इनका ताल्लुक रहता है, मीडिया के साथ इनका ताल्लुक रहता है। यहाँ पर चाहे उसमें राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, या इस किस्म की एक्टिंग वगैरह भी हो। और ऑकल्ट साइंसेस जो होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु वगैरह, इन सब के अंदर भी इनका विश्वास होता है। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये लोग ऐसे होते हैं जिनको मटीरियल लाइफ भी चाहिए और स्पिरिचुअल लाइफ भी चाहिए, दोनों में कभी भी एक तरह से कहा जाए तो बैलेंस तो बन नहीं पाता है देखा जाए तो। तो कई बार उनको दुख भी झेलने पड़ते हैं, मिसअंडरस्टूड रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। ये सब ये चाहते हैं कि लोग उनको समझें, लेकिन वो उनको लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है देखा जाए तो। तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा का और केतु का जो चंद्र ग्रहण वाला जो नंबर हो जाता है, जिसको ग्रहण दोष कहते हैं, वो बहुत तकलीफ वाला हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों के दुख बढ़ जाते हैं, लेकिन वो दुखों के कारण वो खुद ही होते हैं, कोई और नहीं होता, क्योंकि वो भी एक आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर आप देखोगे तो चंद्रमा के लिए और साथ में केतु के लिए ब्लू, ग्रीन और येलो टाइप के जो कलर्स हैं, क्रीम कलर हो जाता है, वो आपको अच्छा रहता है। वाइट कलर भी इनको बहुत सूट करता है, ये इनके लिए कर सकते हैं। जो इनके लिए लकी नंबर्स हो सकते हैं, फेवरेबल नंबर हो सकते हैं, जिसके ऊपर सो कॉल्ड इनका नेम आ सकता है, बिजनेस नेम्स आ सकते हैं, उसकी मैंने चीज़ें यहाँ पे साइड में दी हैं। आप उनको नंबरों को देख सकते हैं और अपने नेम और बिजनेस नेम को उस पर ला के ऑस्पिशियस बना सकते हैं, ताकि इसके जो बुरे दोष हैं, जो बुरी चीज़ें हैं या बुरे प्रभाव हैं, उससे आप थोड़ा दूर रह सकें और उसके द्वारा अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बना सकें, ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकें, ज़्यादा धन भी कमा सकें और अपने अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का अच्छा कॉन्टेंट भी पैदा कर सकें। तो प्रोग्राम्स आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारे पास आपकी जो फीडबैक है वो भी आ रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे हमारा मेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप अपने मेल एड्रेस पे अपनी फीडबैक भेज सकते हैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से कहिएगा सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि चैनल है आपका। शुक्रिया आपका, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में।